गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हमारे चैप्टर 4 हो चुके हैं, तो हमने अब उसको वहीं स्टॉप कर दिया है। आप जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर, ठीक है। तो हिंदी रीडर में ये देखिए लिख रहा है ना, तो निकालिए सब बच्चे अनामिका हिंदी पाठ है पुस्तक। तो प्लीज जिसके पास बुक नहीं है वो परचेज कर लीजिएगा स्कूल से, क्योंकि बुक्स होना जरूरी है। अब स्कूल देखिए ओपन होना स्टार्ट हो गए, आज बड़ी क्लासेस को बुलाया है, फिर धीमे धीमे छोटी क्लासेस को भी हम बुलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर आएंगे छोटी क्लासेस के लिए उनको भी बुलाना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा आज हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर है समय यानी टाइम वक्त। तो देखिए इसमें है पार्ट वन, नाम है इसका समय, ठीक है। ये होगा तो हम स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ने के लिए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिए, आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल, फिर तभी तो आगे पता चलेगा। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो इसमें फर्स्ट में है प्रस्तावना, ये आपको दिख रहा है इसमें प्रस्तावना लिखा हुआ है ना। तो प्रस्तावना क्या होता है, बीता समय कभी वापस नहीं आता। क्या बीता हुआ जो समय है वो कभी वापस नहीं आता, यह कहावत सत्य है, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने समय की कदर की वे सफलता पा गए। क्योंकि जिन व्यक्तियों ने समय की कदर की है वही व्यक्ति सफलता पा गए हैं। प्रतिबिंब, इस पाठ में समय की कीमत को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जैसे सूरज चांद तारों का उदाहरण दिया है कि कैसे ये सब समय के पावर होते हैं। परिकल्पना, समय की कीमत को ना समझने वाला व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता। जो समय को बेकार करता है वो समय उसको बेकार कर देता है। देखिए एक पोएम ट्रैक की ही है, मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप लोग समझते और सुनते चले जाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या कह रहा है, सूरज सदा समय से आता, ठीक है। सूरज का जो टाइमिंग होता है वो एकदम राइट टाइम होता है, वो समय से आता है और समय से ही जाता है, ठीक है। उसका फिक्स टाइम होता है कि उसको कितने बजे जाना है और कितने बजे आना है। कभी आपने नोटिस किया सुबह मॉर्निंग में चांद सदा समय से आता और समय से जाता है, तारे सदा समय से आते और समय से जाते हैं, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते हैं। जितनी हमारी ये सारी इतनी दुनिया है ना, इतनी बड़ी सारी दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं अवश्य पूरे उसमें। इन तीनों का क्या टाइमिंग एकदम फिक्स होता है, जैसे आपने देखा चंद्रमा क्या रात को निकलता है, जब अंधेरा हो जाता है तो वो रोशनी फैलाता है अपनी चंद्रमा की। और सूरज क्या होता है, सूरज रात गई और जब सुबह होता है तो सुबह 5 बजे निकल जाता है, निकल आता है सुबह कभी, फिर धीमे 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 बढ़ता चला जाता है और सारे शहर में अपना प्रकाश फैलाना स्टार्ट कर देता है। 6 o'clock, तो आपने गर्मियों के टाइम में देखो 6 o'clock के से ही ऐसे धूप का आना स्टार्ट हो जाता है, तो
टाइमिंग एक्चुअली सर्दी और गर्मी में थोड़ा में अलग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये है पावन समय के। और तारे देखिए, हमने तारे भी टाइम से अपने इक्वल टाइम से निकलते हैं शाम को 6 o'clock, एक ना एक तारा जरूर आपको दिखाई देगा आसमान में। पलवर दे नहीं करते, ठीक समय से सोते हैं ये, ठीक समय से जागते। इनका क्या है, टाइम एकदम फिक्स है सोने का और उठने और बैठने का और आने और जाने का। तो ये अपने टाइम के पाबंद है, अपने टाइम से आते हैं और टाइम से ही जाते हैं। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाए तो फिर हम भी सूरज चांद सितारों जैसे बन जाएं। क्या कह रहा है कि अगर हम लोग भी इनकी जैसे सीख कहीं जाए तो अगर इनकी जैसे सीख ले तो हम भी चांद सूरज जैसे बन के तैयार हो जाएंगे। ओके, फिर पेज पढ़ लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है समय का मूल्य अनंत है? कभी आपने विचार किया है अपने इस पर कि समय का कितना मूल्य होता है? आपने कभी सोचा है कि जो हम पढ़ चुके हैं वो वापस नहीं मिलेगा हमें? भाई हमने नई नई क्लास में जाएंगे तो नए नए पढ़ने को मिलेगा और पीछे वाली क्लास में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए समय की बहुत महत्वता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जीवन में वर्ष के बाद वर्ष व्यतीत होते जाते हैं, साल के साल निकल जाते हैं और जो हमारा छूट गया वो वापस हमें नहीं मिलेगा। इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। क्या आपने कभी जानना चाहा, संसार में समय के साथ चलने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं। क्या है, जो हमारी दुनिया है इसमें समय के अकॉर्डिंग बहुत ही कम व्यक्ति चलते हैं, हर कोई नहीं चल पाता। बीता समय कभी वापस नहीं आता है, जो निकल गया वो कभी लौट के आपके पास नहीं आएगा। क्या कभी आपने ध्यान दिया है, बिना सोचे समझे हम समय को व्यर्थ करते रहते हैं। कैसे व्यर्थ करते हैं आपको पता है? कभी आपने विचार किया है इस पॉइंट पर कि हम अपने समय को कैसे व्यर्थ करते हैं? मैं बताती हूँ कैसे करते हो। क्या करते हो, पढ़ने का टाइम होता है तो नहीं पढ़ते हो, खेलने में निकाल देते हो, टीवी में मोबाइल में। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बस टीवी मोबाइल इन सब चीज़ों में ही दिमाग ज़्यादा लगाते हैं और पढ़ने लिखने में कम लगाते हैं। पढ़ने लिखने का तो मतलब ही नहीं है, अभी स्कूल भी ओपन हो गए तब भी आने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना छुट्टियाँ हुए हुए, तो टीवी तो लोगों का ऊपर को आ गया, अब क्या स्कूल थोड़ा दिखाई दे रहा। तो इसीलिए जो समय हमारा बीत जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। जो हमारी पढ़ाई छूट गई वो छूट गई, अब हमें दोबारा वापस नहीं मिलेगी। हम कोशिश करेंगे पढ़ेंगे फिर भी हमें वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, यदि ध्यान पूर्वक समझा जाए तो सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में समय का ही महत्व है। प्रातःकाल सूर्य समय से निकलता है। क्या प्रातःकाल यानी मॉर्निंग में सुबह ही सुबह सूर्य अपने समय से निकलता है और संध्या आने पर डूब जाता है। धरती में डाला गया बीज समय से पौधा बनकर पेड़ बनता है। कभी आपने देखा है जब हम किसी चीज का बीज लगाते हैं गमले में या जमीन पे तो वो क्या करता है, पौधा बन के निकलता है धीमे धीमे। कभी जैसे अभी आपको बताऊँ मैं कि भाई मैंने या आपने किसी ने कि हमने प्लांट लगाया या कोई बीज हमने लगा दिया किसी फ्लावर्स का, जैसे कि क्या करते हैं गेंदे के फूल, देखे गेंदे के फूल के बीज लगा देते हैं
तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा छोटा सा बड़ा हुआ, धीमे 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 2 4 5 10 दिन लेगा, फिर वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर उसमें छोटी सी कली आएगी, कली आने के बाद में फिर वो धीमे धीमे 2 3 4 दिन में फूल बनेगा, फूल बन के फिर वो खिलेगा। ऐसे ही किसी भी चीज का बीज हम डालेंगे तो वो धीमे धीमे पेड़ बनता, पौधा बनकर फिर पेड़ बनता चला आता है, और अपना मौसम आने पर वह फूल और फल देता है। जब जैसे कि फूल का मौसम, जो भी हमने पेड़ लगाया, जिस भी चीज का बीज लगाया, तो वो अपने मौसम के अकॉर्डिंग ही फूल फल फूल देता है। सुबह के समय पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले को छोड़कर खेतों की ओर उड़ जाते हैं। कौन होते हैं? पक्षी, पशु पक्षी जानते हो ना, वो क्या करते हैं? तो क्या होता है कि सुबह के समय पक्षी चहचहाते हुए, भाई ची 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 ची, आपने कभी आवाज सुनी है? कभी मॉर्निंग में जल्दी उठिए तब आपको पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे पक्षियों की एक साथ टोली निकलती हुई आसमान में दिखाई देगी कि वो अपने घर को यानी घोंसले को छोड़ के खेतों की तरफ उड़ जाते हैं। कैसे उड़ जाते हैं? जैसे कि आपके डैडी यानी आपके पापा सुबह होते कि घर से अपने, बहुत से लोग जैसे कि ऑफिस आए, ऑफिस जाते हैं, जिसका दुकान है वो अपनी दुकान जाते हैं, जिसका वैसा वर्क है वो अपना और वर्क करने के लिए घर से निकल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने टाइम से ही अपने घर से निकलेंगे और टाइम से ही घर में आते हैं। ठीक है, ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाते हैं और अपने और काम करने वाले और काम करने जाते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे ही पशु पक्षी हैं तो वो भी बेचारे क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए तिनका लेने आते हैं, खाना लेने आते हैं, तो वो उड़ जाते हैं सुबह सुबह ही निकल जाएंगे और शाम को अपने घोंसलों में आके अपने बच्चों को खाना देते हैं और वो सब फिर खाना मिलके खाते हैं, जैसे कि आप सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ खाते हैं, ऐसे वो भी अपने खाते हैं। ठीक है, और रात होने पर सब अपनी अपनी जगह पर लौट आते हैं, क्योंकि रात का समय ईश्वर ने कैसे बनाया है, रात का समय जो है वो ईश्वर ने विश्राम करने के लिए बनाया है। क्या करने के लिए बनाया है? आराम करने के लिए बनाया है। वास्तव में समय को रचने वाला केवल ईश्वर ही ईश्वर है। इसी समय को मनुष्य ने घड़ी नामक यंत्र में दिखाया है, जिससे हमें समय का ठीक ठीक ज्ञान होता है। क्या होता है? समय का हमें ठीक ठीक ज्ञान होता है। जो हमारा जो हमें ईश्वर है, भगवान है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब तो यह मनुष्य के हाथ में है कि समय का पालन वह किस प्रकार करता है। क्या करता है? मनुष्य की मनुष्य के ऊपर होता है कि मनुष्य किस तरीके से समय का पालन करता है, कि भाई कि टाइम से आना जाना, काम करना अगर करता है तो ठीक है, नहीं तो सब बेकार। वास्तव में समय प्रत्येक मनुष्य का अपना धन होता है। क्या होता है? धन होता है मनुष्य का समय। समय से ही काम करना ही चाहिए। समय जिसे ना कोई छीन सकता है ना चोर चुरा सकता है। किसी भी बहुमूल्य वस्तु से समय खरीदा नहीं जा सकता। समय को कोई भी मनुष्य बढ़ा या घटा नहीं सकता, कम और बढ़ती नहीं कर सकता है। घड़ी घुमा के ही काम वगैरह कर सकते हैं, बाकी टाइम तो जो है वही है, एक घंटा तो एक घंटा, 15 मिनट तो 15 मिनट और आधा घंटा तो आधा घंटा, वो टाइम फिक्स है कि आपको इतनी देर वर्क करना है तो करना है, नहीं तो उसमें कम बढ़ती आप नहीं कर सकते। ठीक है,
चलिए यहीं तक हम स्टॉप कर देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।